सात खैरथल नगर पालिका की जहां भाजपा का बोर्ड बना है यहां से भाजपा के हरीश रोगा विजयी हुए। यहां 35 वार्ड पार्षदों में भाजपा प्रत्याशी हरीश रोगा को 21 व कांग्रेस प्रत्याशी विक्की चौधरी को 14 मत दिए गए। यहां भी भाजपा का बोर्ड बना है। यहां भी पूर्व विधायक रामहित यादव व बनवारी लाल सिंगल की जोड़ी कामयाब रही। इस दौरान अलवर सांसद बाबा बालकनाथ भी खैरथल पहुंचे और भाजपा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष को बधाई दी और जनता का भी आभार जताया। इसमें सबसे बड़ी रणनीति वहां काम आई जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके अशोक डाटा को भाजपा में शामिल कर लिया गया। चुनाव खैरथल में आपकी अहम भूमिका रही है बोर्ड बनाने में, तो किस तरीके से आपने बोर्ड बनाने में अपनी भूमिका निभाई? हमारे भारतीय जनता पार्टी के वसुंधरा राजे की सरकार ने जो काम किया था और अब 2 साल से जिस तरह से हर मामलों में अनुशासन कानून व्यवस्था विकास के सारे काम रुके हुए थे, हमने जनता को कहा कि अगर आप ये विकास के रथ को वापस शुरू करना चाहते हो तो हमको कमल का फूल खिलाइए, वोट दीजिए, वोट बनवाइए, हम निश्चित रूप से खैरथल के विकास का जो गति रुक गई है उसको वापस शुरू करेंगे। मैं खैरथल की जनता का हृदय से आभारी हूँ और हमारे नए सहयोगी मेरे बड़े भाई जो हमारी पार्टी के पहले यहाँ के मंडल अध्यक्ष रहे हैं पूर्व चेयरमैन आदरणीय अशोक डाटा जी का भी हृदय से आभारी हूँ कि आपके मन में पहले से मोदी था और आगे भी रहेगा ये भाव लेकर के आप हमारी टीम में और हमारे यहाँ संरक्षक के रूप में काम करेंगे। इन्होंने स्वीकार किया, मैं इनके और इनके सहयोगियों का धन्यवाद देता हूँ। हमारा खैरथल के अंदर हमारे भारतीय जनता पार्टी को 21 वोट मिले हैं और विपक्ष के दल को हमारे को 14 वोट मिले हैं और मैं मानता हूं कि पहले से सुनिश्चित था और जिस प्रकार का जोश चुनाव के समय पर देखने को पब्लिक में मिल रहा था और माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था और ये जैसे कि पिछले समय पर पूरे राजस्थान में जो 21 जिलों में पंचायत राज के चुनाव हुए उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई और वर्तमान में जितनी नगर पालिकाओं में पूरे राजस्थान के अंदर जो चुनाव थे उनमें सब में भारतीय जनता पार्टी का लगभग 70% भारतीय जनता पार्टी के वोट बने हैं। मैं मानता हूँ कि सरकार को ये राजस्थान प्रदेश की जनता का करारा जवाब है और सरकार की जो उल्टी गिनती सरकार बनने के बाद में ही उसका शुरुआत हो चुकी थी लेकिन वो उल्टी गिनती आज और ज़्यादा गति से इन परिणामों के माध्यम से हम सबको देखने को मिल रही और इस सरकार को समझना चाहिए कि जो वादे जनता से किए थे उन वादों को ये कांग्रेस सरकार पूरा करे। सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी का धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मेरे को हाइब्रिड फॉर्मूले से चेयरमैन बनाने का मौका दिया। 5 साल आपकी मुख्य प्राथमिकताएं क्या क्या रही? सबसे बड़ी समस्या जो खैरथल में पानी की है उसको समस्या को सुलझाने का प्रयत्न करेंगे सबसे पहले। और कौन कौन सी ऐसी समस्याएं रही जो पहले समाधान उनका नहीं हो पाया और आप उनको उनकी जो हमारे बोर्ड में पास हुए हुए वर्क कार्य हैं और कांग्रेस शासन ने उनको रोक रखा है सबसे पहले हम उनको शुरू करवाएंगे।